केंद्र सरकार की ओर से किसानों की मांगे ना माने जाने पर एक बार फिर से किसान संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं, जिसके चलते जहां आज पंजाब के अलग अलग जिलों में टोल प्लाजा फ्री किए गए हैं, वहीं किसानों की ओर से पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे लदपालवा टोल प्लाजा भी आज एक महीने तक बंद कर दिया गया है, जिससे किसी भी गाड़ी से अब टोल नहीं लिया जाएगा, जिसको लेकर किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में वे अपना संघर्ष और तेज करेंगे। इस बारे में किसानों ने बताया कि उन्हें एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, जिस कारण उन्हें टोल प्लाजा पर धरना देना पड़ा और ये संघर्ष चलता भी रहेगा। अब एक महीने तक ये संघर्ष चलेगा। उधर जब इस संबंधी जब बस ड्राइवर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा चाहे कहीं भी हो, यह लोगों को लूटते ही हैं, इसलिए यह बिल्कुल बंद होने चाहिए। मंग मंग के वेख लियो, ये सरकार कर दिया की तेरा पेरी चक देंगे, तेरा पेरी चक देंगे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद। सर जिहड़ा धरना लगाया गया, पिछे भी लगाया सीगा कुछ साल पहले, किसानों वालों कहते जो कृषि कानून थे, काले कानून कहते लैके, क्या वह रद्द नहीं हुए जो दोबारा धरना लाना पै गया? तुम इस कारण आप धरना बैठे हैं, उसे एक साल होया जो मंगे मनिया सी वो लागू नहीं की, MSP की गरंटी सी वो भी लागू थी, लखीमपुर खीरी से जो किसान शहीद हुए थे उन्होंने जो मुख्य दोषी है वो बाहर मिश्रा बाहर तुरै फिर रहा जी, तो किसानों को फल के अंदर दिता पाया वा, सरासर नजायज़ कर रहे, MSP नहीं दे रहे। सो होर भी जो मंगा हटिया जो मंग 18 मंगा सी मुख जी नहीं दी इन्होंने, सो उन्होंने लागू करवा वास्ते अच्छे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने यह आदेश दिता है। एक महीने वास्ते आप 11 जिले में 18 तौर पर बंद करवाए हैं। जे ये सरकार नरम कोई होंगी कोई गल मानती है तो आप चक लवेंगे, नहीं तो यह हो सकता इस तू जिदा आदि संघर्ष कमेटी आदेश देगी आप लंबे भी चलावे। एक कुल मिला के मोदी साहब को किसानों का सोचना ही पैना है, अगर नहीं सोचेगा तो फिर भी पंजाब के हालात ये खराब करने तुले हुए हैं। सो इस सरकार यही मांग करते हैं कि सुहिर्द तरीके इन दंगा मनिया जा, यह कोई नजायज मंग नहीं, किरत करने वाले किसान हैं बेचारे रात दिन काम कर नंगे भरी काम करते हैं, फिर भी इन्हें रोड से बैठना पै रहा। यह एक मोदी साहब की जो हटकर नीति है वो उस करके इन्हों खजे खराब होना पै रहा। सो सरकार अगर यही मंग है कि ये इन्हों दंगा मान लैन, जो आराम घर अपने पा जी जी थोड़िया मंगा जो महीने अंदर नहीं मनिया गई, फिर अगला कार्रवाई की होगी? अगला जिदा देश होगा आप लंबा चलावे जी, अगे एक साल बैठे फिर नहीं अपने मंगा मंगवा के उठा है। अद्धा घंटा रुकते हैं, एक गड्डी अगे जो खड़ी है ना ओदा फास्टैग नहीं है, जिदा मर्जी है जो ओदा नहीं है ओदा कोई रीजन होना चाहिए, उन्होंने किसी पास गड्डी कढ़ो, साड़ियाँ गड्डिया इतने अद्धा अद्धा घंटा असं एक टोल देते खलो के साथ अगले टाइम मिस हो जाते हैं। किसानों ने तो ये धरना देते बड़ी हद भी महीना दो महीने बंद करवाया जितने जाएंगे, हाँ जी थोड़ी की मांग है वैसे की ये मांग है भी ये परमानेंटली बंद होनी चाहिए, गड्डिया टैक्स दिंदियां हैं, जे किसी को कार है जां कोई भी असी गड्डी लैने छोटा व्हीकल लैने कुछ भी लैने टैक्स लमसम भरया जाता है, ये रोड टैक्स ही दिने की लोटकसूट बहुत ज्यादा जी और गुंडागर्दी भी तगड़ी है, कोई असं कथू नगर भी टोल टैक्स देने चंडीगढ़ तक देखते हैं, इस रोड से इन्नी लुटकसुट है ना कि इस लुटकसुट असं डेली देखते, मैं कल 4 बारी देखना इधर कथू नगर से अद्धा अद्धा घंटा, वह भी टोल इसे कंपनी का IRB का अद्धा अद्धा घंटा, असं मेरे को सरकारी बस है, मैं पंजाब रोड पठानकोट का ड्राइवर हाँ, असं अद्धा अद्धा घंटा कल मैं अद्धा घंटा रात में मैं 10 बजे पठानकोट पहुँचा, 7:50 से चल के मैं राति 10:30 बजे 11:15 पठानकोट पहुंचा, सिर्फ इसे वजह न सिर्फ इन्हों की टोलों की वजह, जबकि साढ़े फास्टैग लगे ने पैसे कटो रहे हैं, लेकिन जी अगे गड्डी है मेरे अगे कार है मेरे अगे 10 गड्डिया खलोतियां जिन्हों देर क्लीयरेंस नहीं मिली उन्ना चेर बैरियर नहीं चुका, मैं वो पिछे खड़ा अद्धा घंटा लाइन के ना मैं पिछे कर जूगा ना मैं अगे कर जूगा, रात मैं 11:45 बजे मैं पठानकोट पहुंचे रात 7:50 चल के, इस करके असी तो साड़ी देरी भर आए कि ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये होने नहीं चाहिए, जनता को परेशानी है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। सर जो अमृतसर टू पठानकोट रोड से लदपालवा टोल प्लाजे से जो ये धरना लगाया गया वा एक महीने वास्ते ये धरना लगाया गया, ये मुख्य कारण है कि जो दिल्ली मोर्चे के
सरकार ने साढ़े नाल विश्वास वादे किए थे कि आह मंगा तुहाडियां मान लिया तां धरना चुक लवो, धरने चुके गए असीं घरां नूं आ गए हाँ, पर अज साल तो वध हो गया पर उहदे विच कोई भी मंग साडी जिहड़ी लागू नहीं की, बिल्कुल साडे नाल विश्वासघात किया गया। पंजाब सरकार जिहड़ी है वह भी किसी तरह की कोई वादा मतलब हर पासे वादा खिलाफी कर रही है। जे असीं पानिया की गल लै लीए सानू नहरी पानी नहीं दिता जा रहा, जिमीदार को बदनाम किया जा रहा कि जिमीदार पानी खत्म करके थले लाता पानी सारा इन्हें, पर जिमीदार को कोई फसल का बदलाव नहीं दिता गया किसी भी सरकार ने। जे लखीमपुर खीरी वाला मसला लाइए उत्थे भी जीवन का त्यों कोई चाहन कोई इंसाफ वाली कोई गल नहीं लभदी। फिर जे असी जम्मू कटरा एक्सप्रैस वे उहदे विच साडियां जमीनां जिहड़ियां रिकवर कीतियां जा रही केंद्र सरकार वालों तो नैशनल हाईवे अथॉरिटी वालों, जिहदे विच सानू एक सार मुआवजे की मंग रखी गई, साढ़े ट्यूबवैल में आ रहे हैं उन्होंने मुआवजा किस तरीके देना इन्हें उस कोई गल नहीं की गई, साढ़े कोई रोड प्लान तो कुछ नहीं दिता गया, बस साड़िया जिहड़ियां शहर के जमीन ने वो 30-30 लाख रुपए रिकवर करी जा रही सरकार, जिथे सरकार ने सानू दस्सिया कि असी छे जो बनते कानून अनुसार भी सानू जिन्ना भी बनता वह मुआवजा वै जो रेट चल रहा वो कुछ ही गुना सानू रेट मिलना चाहिए जो हर जगह मिलता पास होया, पर सानू 30 लाख रुपये जी 4 करोड़ की जमीन है तो 30 लाख रुपये जिस मैं नवी मिसाल साढ़े पिंड औजला की आई है बिल्कुल बाईपास के नाल लगती जमीन 30 लाख में किला, असं यह पूछना चाहेंगे धक्के उन्होंने अकाउंटा से पैसे पाए जा रहे हैं धक्के जमीन रिकवर की जा रही हैं, जथेबंदी अच्छ इन्हों मंगा तो अड़ी है पर सरकार की ना कोई गल ना सुन करके फिर इतने सानू जो जथेबंदी ने आदेश दिता है कि जो एक महीने वास्ते अज 15 दिसंबर तो लैके 1 जनवरी तक जी टोल ने बिल्कुल फ्री किए जाएंगे आम लोगों वास्ते, किसी तरह की कोई टोल पक्की नहीं ली जाएगी कि जथेबंदी इतने के हुक्म के अनुसार अभी जो बाबा मस्तू जो जो किसी डट के बैठे हैं जिन्हें जथेबंदी अगला आदेश